गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएससी सेकंड ईयर की क्लास के अंदर कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके अंदर आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया है और आज हम कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उत्सर्जी तंत्र पढ़ेंगे। ओके, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, दैट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म स्पेशली नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज द एक्सक्रीशन। उत्सर्जन, जैसे आप लोग सब जानते हो कि बॉडी में जो हमारे मेटाबॉलिस्ट के थ्रू बनने वाले जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। ओके, और जंतुओं के अंदर ये उत्सर्जन जो है वो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है, विशिष्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ओके, कॉकरोच के अंदर यदि हम देखें तो कॉकरोच के अंदर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है कॉकरोच का। ओके, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है इनकी खोज करी थी मार्केलो मेलपिगी ने, इन्हीं के नाम से, इन्हीं के नाम पर इनको सम्मानित करने के लिए इन ट्यूब्यूल्स का नाम इनके खोजकर्ता के नाम पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स रखा गया। ओके, देखिए कॉकरोच के अंदर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के अलावा अन्य संरचनाएं भी उत्सर्जन में हेल्प करती है, लाइक जो फैट बॉडी सेल्स, नेफ्रोसाइट्स, क्यूटिकल एंड यूरिकोज ग्लैंड्स, ये जो संरचनाएं है ये भी एक्सक्रीशन में जंतु की सहायता करती है। ओके, एक्सक्रीशन का कार्य इनके द्वारा भी किया जाता है। अब सबसे पहले हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जंतु की बॉडी में कहाँ सिचुएटेड रहती है, देखिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है बच्चों वो हमें मिलती है कहाँ पे, मिडगट और हाइंडगट, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है मिडगट और हाइंडगट, इन दोनों के जंक्शन पे, इन दोनों के संगम स्थल पर, यहाँ पर लार्ज नंबर अप्रोक्सीमेटली 60 to 150 जो है एक थिन लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड लाइक ब्लैंक ट्यूब्यूल्स के रूप में ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स येलो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट थिन थ्रेड लाइक संरचना के रूप में पाई जाती है। ओके, यदि हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का शेप एंड साइज देखें तो लगभग ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो होती है वो 16 mm लॉन्ग होती है एंड 0.5 mm इनका डायमीटर होता है। ओके, और प्रत्येक जो ट्यूब्यूल है ब्लाइंड ट्यूब्यूल होती है, प्रत्येक ट्यूब्यूल जो है वो एक ब्रश बॉर्डर युक्त ग्लैंडुलर एपिथेलियम द्वारा आश्रित रहती है या कवर्ड रहती है। ओके, ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर सीलिएटेड सेल्स पाई जाती है हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रश बॉर्डर, जो कि जो हमारी ट्यूब्यूल का जो ल्यूमन है उसके अंदर ब्रश बॉर्डर बनाता है। ओके, देखिए दीज ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, दीज ट्यूब्यूल एक्सक्रीट द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ ऑफ द हीमोसीट एंड एम्प्टी द एक्सक्रीटेड सब्सटेंस इनटू द गट। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मेन उत्सर्जी तंत्र होता है, उत्सर्जी अंग है जंतु का, और ये ट्यूब्यूल्स जो है जो हीमोसिलोमिक कैविटी के अंदर जो हीमोसिलोमिक फ्लूड है, हीमोलिम्फ है, उसमें उपस्थित नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को अपने ल्यूमन में कलेक्ट करके और उन्हें जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा हाइंडगट का पार्ट है वहां पर उसे एक्सक्रीटेड कर देती है। ओके, इसके अलावा मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स उत्सर्जन के साथ साथ जंतु के ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य भी करती है। ओके, परासरण नियमन का कार्य भी इन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा किया जाता है। ओके, हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं बच्चों, पोजीशन देख लेते हैं। देखिए इस डायग्राम के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा जो मिडगट और हाइंडगट, दिस इज द मिडगट एंड हियर इज द हाइंडगट,
मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक ब्लाइंड ट्यूब्यूल के रूप में 60 to 150 नंबर्स के अंदर थ्रेड लाइक ये ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो कि मैलपिगन ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, ओके। और ये मैलपिगन ट्यूब्यूल्स जो है वो चारों तरफ इनके क्या पाया जाता है, हीमोलिफ पाया जाता है, ओके। हीमोसिनोविक कैविटी के अंदर जो है वो सिचुएटेड रहती है। देखिए प्रत्येक जो ट्यूब्यूल है वो जो है दो पार्ट्स की बनी हुई रहती है इसके अंदर, जिसका जो डिस्टल पार्ट है जो दूरस्थ सिरा होता है, दिस डिस्टल पार्ट इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द डिस्टल सिक्रेटरी रीजन ऑफ मैलपिगियन ट्यूब्यूल, जो सिक्रेटरी नेचर होता है, और एलिमेंट्री कैनाल के पास वाला पार्ट दैट इज प्रॉक्सिमल पार्ट है, दैट इज प्रॉक्सिमल एब्जॉर्प्टिव रीजन ऑफ मैलपिगियन ट्यूब्यूल, जो कि एब्जॉर्प्टिव होता है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, ओके। यहाँ पर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स का टीएस जो है वो दिखाया गया है। इस टीएस के अंदर अभी जैसे मैंने बताया जो ट्यूब्यूल है वो किसके द्वारा लाइन रहती है, इसके अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है, दीज आर द ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स, ओके। एंड हियर इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, बाहर की तरफ इसके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स है ये पेरिटोनियल शीथ के द्वारा आवृत रहती है, ओके। जो बेसमेंट पेरिटोनियल शीथ है उसके बीच बीच के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, हियर इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, ओके। एंड जो ये हमारी ग्रंथि उपकला है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स है, ये इन सेल्स के अंदर यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं जो कि इसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं स्टेटेड बॉर्डर का, जिसको हम ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं, ओके। एंड ये जो है वो हमारे ट्यूब्यूल की ल्यूमन होती है, ये तो जो हमारा मैलपिगियन ट्यूब्यूल का पोजीशन और उसका टीएस। अब हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया जंतु के अंदर संपन्न होती है। देखिए वेरियस वर्ल्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने नोटिस किया कि प्रत्येक जो ट्यूब्यूल है उसके दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन इन ईच ट्यूब्यूल, एक डिस्टल ब्लाइंड रीजन दैट इज सेक्रेटरी रीजन होता है, ये ब्लाइंड सेक्रेटरी रीजन हैंग्स फ्रीली इन द हीमोसील, एंड प्रॉक्सिमल एब्जॉर्प्टिव रीजन विच ओपन्स इनटू द गट, जो कि आहार नाल के अंदर खुलता है, ओके। देखिए जो डिस्टल रीजन है बच्चों, डिस्टल जो हमारा रीजन है, ये जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, यदि हम इस डायग्राम की को के जरिए समझे तो दिस इज द मैलपिगियन ट्यूब्यूल, ओके। और इस मैलपिगियन ट्यूब्यूल के अंदर दिस वन इज द डिस्टल सेक्रेटरी पार्ट ऑफ द मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, एंड द इनर सेल लाइनिंग ऑफ दिस डिस्टल रीजन हैव वेल डेवलप्ड ब्रश बॉर्डर, यहाँ पे जो इनका ब्रश बॉर्डर होता है वो वेल डेवलप होता है, व्हाइल इन द प्रॉक्सिमल रीजन, और यदि हम प्रॉक्सिमल रीजन की बात करें तो दे आर लेस डिफरेंशिएटेड एंड कॉल्ड हनीकॉम बॉर्डर, यहाँ पर जो है लेस डिफरेंशिएट बॉर्डर पाया जाता है जिसको हनीकॉम बॉर्डर भी कहते हैं, ओके। अब किस प्रकार से जंतु के अंदर जो है उत्सर्जन की क्रिया होती है देख लेते हैं हम। द इंसेक्ट्स प्रोड्यूस नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल पोटेशियम यूरेट विच इज लिबरेटेड इनटू द हीमोलिफ। देखिए जंतु के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सोल्यूबल पोटेशियम यूरेट के रूप में जो है वो मिलते हैं, विच इज लिबरेटेड, जो कि हीमोलिफ के अंदर लिबरेट किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, ओके। ये पोटेशियम यूरेट वाटर के साथ किसके द्वारा टेक किए जाते हैं, ग्लैंडुलर सेल लाइनिंग ऑफ द डिस्टल रीजन ऑफ मैलपिगियन ट्यूब्यूल, मैलपिगियन ट्यूब्यूल की जो डिस्टल हमारा जो सिक्रेटरी रीजन है
वहां की जो ग्लैंडुलर सेल्स है वो हीमोलिम्फ से इन पोटेशियम यूरेट और वाटर को अपनी ल्यूमन के अंदर ले लेती है। ओके देखिए, इन द सेल्स ऑफ द ट्यूबुल पोटेशियम यूरेट रिएक्ट्स विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि हमारे जो ग्लैंडुलर सेल्स है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो जो ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होती है वहां पर पोटेशियम यूरेट वाटर और CO2 जो है उसके साथ रिएक्ट करके किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड यूरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके अब पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस से इनटू द हीमोलिम्फ, बट यूरिक एसिड इज लेफ्ट आउट इन द ल्यूमन ऑफ द ट्यूबुल। जो हमारा प्रॉक्सिमल रीजन है जंतु का, मैथिगे ट्यूब्यूल का, उस प्रॉक्सिमल रीजन के अंदर हमने कहा प्रॉक्सिमल रीजन एब्जॉर्प्टिव पार्ट होता है, तो वहां पे कुछ मात्रा के अंदर वाटर और जो हमारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना है उसका अवशोषण कर लिया जाता है और इसे वापस से हीमोलिम्फ के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके लेकिन जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड जो है वो सेल के ह्यूमन के अंदर ही रहता है। एज द यूरिक एसिड इन डिसॉल्व कंडीशन मूव्स बैक इनटू द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द मैल्टिगे ट्यूबुल, द वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन इट एंड पास्ड ऑन इनटू द हीमोलिम्फ। ओके रीअब्सॉर्प्शन हुआ, अब द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स टू सच एन एक्सटेंट दैट द बेसल पार्ट ऑफ दिस रीजन बिकम्स फिल्ड विद सॉलिड क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड। देखिए प्रॉक्सिमल पार्ट पे भी जो है वो वाटर का अवशोषण होने के बाद में अब जो यूरिक एसिड थोड़ा डिसॉल्व फॉर्म के अंदर था वो अब हमें सॉलिड क्रिस्टल के रूप में यहाँ पे यूरिक एसिड बन जाता है। ओके अब प्रॉक्सिमल पार्ट से मैल्टिगियन ट्यूबुल के प्रॉक्सिमल पार्ट से ये जो हमारा सॉलिड क्रिस्टल है यूरिक एसिड का वो जो है वो क्रमांकुंचन तरंगों के द्वारा इलियम जो हमारे हाइंड कट का पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के उसके अंदर डाल दिया जाता है। ओके वाटर इज फर्दर रीअब्सॉर्ब इन द रेक्टम, अब जब वाटर रेक्टम के अंदर पहुंचता है तो वहां पे कुछ मात्रा के अंदर वाटर को वापस से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो यूरिन पास आउट किया जाता है जंतु के द्वारा कंटेन वेरी लिटिल वाटर एंड द बल्क ऑफ इट बीइंग नाइट्रोजिनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। सॉलिड यूरिक एसिड के रूप में अब हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है या यूरिन बन जाता है। ओके इसीलिए इंसेक्ट्स जो है आर फिजियोलॉजिकली कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल। यूरिकोटैलिक एनिमल्स क्यों कहते हैं ये, क्योंकि ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के रूप में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर पास आउट करते हैं। ओके और शुरुआत में कहा था मैल्टिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का भी कार्य करती है, क्यों, बिकॉज दे हेल्प इन कंजर्विंग अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज हेल्प द इंसेक्ट्स इन लीडिंग इफेक्टिव लाइफ एक्टिविटीज इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखिए मैल्टिगियन ट्यूब्यूल्स के जो हमारा एब्जॉर्प्टिव पोर्शन है प्रॉक्सिमल पोर्शन उसके अंदर वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रेक्टम रीजन द्वारा भी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर जो इंसेक्ट रहते हैं उसके अंदर जो ये मैल्टिगियन ट्यूब्यूल्स है वो इस प्रोसेस के थ्रू वाटर को कंजर्व करने का कार्य किया जाता है और जंतु का जो एक ऑस्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस चाहिए होता है उसको मेंटेन करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ओके अब हम बात करेंगे कुछ अन्य जो उत्सर्जी अंग है हमारे कॉकरोच के जो कि कुछ मात्रा के अंदर उत्सर्जन का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फैट बॉडी का, तो देखिए ये फैट बॉडी सेल्स जो होती हैं वो जंतु का जो हीमोलिम्फ है हीमोसिलोमिक जो कैविटी है वहां पे ये वाइटिश जो है कलर्स के अंदर फैट बॉडीज पाई जाती हैं। बहुत सारी लोब्यूल्स की बनी हुई फैट बॉडीज होती है जिनके अंदर अनेक प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ओके
इनमें से वे सेल्स जो कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती है वो कहलाती है क्या? यूरेट सेल्स। वो सेल्स यूरेट सेल्स कहलाती है। और ये यूरेट सेल्स जो है वो यूरिक एसिड और यूरेट ग्रेन्यूल को अपने सेल्स के अंदर जो है एक प्रकार का स्टोरेज करके रखती है, संग्रहित करके रहती है। तो इस प्रकार का एक्सक्रीशन जो है वो स्टोरेज एक्सक्रीशन कहलाता है, जहाँ पे यूरिक एसिड और यूरेट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बॉडी के जो है वेरियस पार्ट्स एकत्रित करके इन सेल्स के अंदर एक्युमुलेट रहते हैं। ओके, सेकंड जो हमारा है दैट इज नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स क्या है? दीज आर द चेन्स ऑफ सेल्स फाउंड अलोंग द हार्ट इन द पेरिकार्डियल साइनस और एसोसिएटेड विद द फैट बॉडीज। ये फैट बॉडी से संबंधित होती है, पेरिकार्डियल साइनस जो है वहां पर ये नेफ्रोसाइट सेल्स पाई जाती है। ये भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टोर करके रखती है। थर्ड यदि हम देखें दैट इज क्यूटिकल। देखिए क्यूटिकल जो होती है जंतु के ऊपर जो है वो इंटेग्रमेंट के ऊपर क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इस क्यूटिकल के ऊपर जमा होते रहते हैं और एट द टाइम ऑफ मोल्टिंग, जब इनके अंदर जंतु के अंदर मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, निर्मोचन होता है। निर्मोचन जैसे आप लोग सब जानते हो, जिसके अंदर पुरानी जो टैग्यूमेंट या हम कहें क्यूटिकल को शरीर से बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है इन टैग्यूमेंट्स के ऊपर और नई क्यूटिकल इनके ऊपर फॉर्म होती है। तो इस प्रकार मोल्टिंग के दौरान जो है जो नई जो पुरानी क्यूटिकल शेड ऑफ होती है, उसके साथ साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट उसके ऊपर जमा होते हैं वो भी जंतु की जो है वो शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। ओके, और एक अन्य इनके अंदर संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिकोज ग्लैंड। ओके, देखिए ये यूरिकोज ग्लैंड कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये यूरिकोज ग्लैंड मेल कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। मेल कॉकरोच का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर मशरूम शेप की जो है ग्लैंड पाई जाती है, मशरूम ग्लैंड पाई जाती है। उनके पास में एक लॉन्ग ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स के रूप में ये ग्लैंड्स पाई जाती है, यूरिकोज ग्लैंड। और ये यूरिकोज ग्लैंड भी एक प्रकार से स्टोरेज एक्सक्रीशन का कार्य करती है। ये भी यूरिक एसिड जो होते हैं उनको स्टोर करके रखती है और एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, जब मैथुन जब जंतु करता है कॉपुलेट करता है, उस वक्त ये जो स्टोर यूरिक एसिड है वो जंतु अपने स्पर्मेटोफोर पर डाल देता है, जिसकी वजह से ये शरीर से बाहर इनके कर दिए जाते हैं। और यूरिकोज ग्लैंड्स को हम यूट्रिकुले मेजोरिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये आज हमने कॉकरोच का जो है उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट किया है।